कोरोना वायरस जो है विश्वभर में फैला हुआ है और जिसकी एडवाइजरी जो है हर दिन निकाली जाती है, पर एक सरकार को यहाँ पे भी देखना चाहिए कि जितना ट्रांसपोर्ट मेरे पीछे चल रहा है यहाँ पे बहुत लोग जो हैं वो 2 से 3 हज़ार लोग जो हैं उससे ज़्यादा ही लगा लो जो इन ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं। पर सरकार को ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि क्या बोलते हैं, इन चीज़ों को भी सैनिटाइज करना चाहिए कि यहाँ पे भी लोग जो हैं एक से ज़्यादा समूह के लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं। देखिए जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर पूरे विश्व में इस समय दहशत का माहौल है, और वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी इसके कुछ केसेस जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश जो है वो कर रहा है कि इस पर कंट्रोल किया जाए, लेकिन आपने सभी जो मॉल्स हैं उनको बंद करा दिया, आपको जिम्स जो हैं उनको बंद करा दिया, जहाँ पर भी क्राउड जो है वो इकट्ठा होता है आपने उनको बंद करा दिया, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो अभी भी चल रहा है, और एक किसी बस का ही आप ले लें, एक बस में अनेक लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं और किसी को नहीं पता होता कि कौन लोग जो हैं वो बीमार हैं, और उसमें बड़े से ऐसे लोग होते हैं जो गांव से निकल कर आते हैं, वो अवेयर नहीं होते हैं, और उनसे ये कोरोना वायरस अगर किसी को होगा तो वो दूसरे को भी फैल सकता है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब तक कोरोना वायरस का इलाज नहीं मिल जाता तब तक ये ट्रांसपोर्ट बंद होना चाहिए, क्योंकि कितने सारे लोग जो हैं इकट्ठे बैठकर यहां पे जाते हैं, वायरस फैलने का खतरा है। सिर्फ इतना कहूंगा कि बंद करवा दो ट्रांसपोर्ट जब तक इसका इलाज नहीं आता है।